कर रहे होते हैं अभी, तो थोड़ा सा बच्चों को टाइम मिल जाता है ज्वाइन करने के लिए। किसी को कोई भी डाउट हो, मेरी स्क्रीन पॉज हो, कुछ भी दिक्कत आए, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स एंड आई विल ट्राई टू फिगर इट आउट कि व्हाट इज हैपनिंग। ठीक है बच्चों, बाकी अब आज आपका लेक्चर फोर्थ है, तो आज की क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी रहेगी, क्योंकि आज हम सारी की सारी आर्क हो गई, रिंग हो गई, डिस्क हो गई, इनफाइनाइट शीट हो गई, डाइपोल हो गया, इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या क्या एक्सप्रेशन बनते हैं वो समझ लेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने रॉड के बारे में सीखा था, याद है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड का एक्सप्रेशन लिखा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। इन द लास्ट क्लास वी रोट अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड, कि भाई रॉड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है। तो हमने देखा था कि यहाँ पर आपके दो तरीके के एक्सप्रेशंस एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ बेटा रिफ्रेश कर रही हूँ। बेटा माइक ऑन नहीं कर सकती अरीबा बेटा, क्योंकि ना क्लास में बहुत बच्चे हैं। एक काम करूंगी कि लास्ट के 5-10 मिनट्स में माइक ऑन कर दूंगी, ठीक है? क्योंकि अभी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, अगर अभी ऑन करूंगी तो आप लोगों को बहुत दिक्कत आएगी। तुलसी बेटा कोई भी डाउट है तो बच्चा चैट बॉक्स में लिख दो, ठीक है? कुछ भी डाउट होगा तो वो मैं क्लियर कर दूंगी। जो बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं, कोई भी डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में लिख दो। क्लास के 5 मिनट के लास्ट में मैं आपका माइक ऑन कर दूंगी, जिन बच्चों को कोई डाउट्स नहीं है वो चले जाओ, जिन बच्चों को डाउट्स है वो अपने डाउट्स मेरे से लास्ट में शेयर कर लो। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड पे हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास ऐसी कोई रॉड है और इसी रॉड के एक्सिस पे कोई पॉइंट है जिस पे मैं आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रही हूँ, एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस आर, तो इस सिचुएशन में भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, है ना? अगर हमारे पास रॉड है और रॉड के किसी भी एक्सियल पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो बेटा कि क्या हमारा एक्सप्रेशन होएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है बेटा, ये एक्सप्रेशन हमारा पिछली क्लास में हम लोगों ने लिखा भी था। कितना एक्सप्रेशन आया था, कितना एक्सप्रेशन आया था बेटा? K lambda L अपॉन R into R plus L, दिस इज द एक्सप्रेशन वी रोट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लास्ट क्लास। अगर मेरी ये रॉड पे चार्ज Q है, लैम्डा S की चार्ज डेंसिटी है, इस रॉड की लेंथ L है, देन दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड। दूसरा एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जिससे हमने बहुत सारे केसेस भी बनाए थे, कि अगर अब मेरी रॉड कुछ इस तरीके से है, अगर अब हमारी जो रॉड है, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस चल रहा है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है हमारा चैप्टर वन जो हम पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस वाला चैप्टर, इसके अंदर हम कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये सारी चीजें अपनी प्रीवियस क्लासेस में कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने देखा था कि अगर यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पॉइंट है पी जिस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इट इज गिवन दैट दिस पॉइंट पी इज आर डिस्टेंस अवे, तो आप लोगों को ये जो एंगल है थीटा वन और थीटा टू ये पता होना चाहिए, ये जो एंगल है थीटा वन और थीटा टू हम लोगों को ये पता होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो जगह पे आया था हमारा, ई एक्स की भी कुछ वैल्यू आई थी, ई वाई की भी कुछ वैल्यू आई थी। ई एक्स की वैल्यू आ गई थी के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, ठीक है? और यहीं से हमने ई वाई की वैल्यू भी कुछ लिखी थी, ई वाई की कितनी वैल्यू लिखी थी, के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ऑलराइट बच्चों, ये वाले सारे के सारे एक्सप्रेशंस हमने, हाँ बेटा वो स्क्रीन में, इतने बच्चे जब ज्वाइन कर लेते हैं तो क्लास में दिक्कत आती है, अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत आए स्क्रीन स्टक हो तो मुझे बता देना, मैं एक बार रिफ्रेश कर लूंगी। वैसे मैंने आज थोड़ा सा इंटरनेट चेंज किया है तो होपफुली ये दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है तनीषा बेटा, अभी विजिबल है स्क्रीन, अभी तो स्ट्रक नहीं आए थे। ये वाले सारे एक्सप्रेशन हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपना। अगली जो हमें एक्सप्रेशन देखनी है वो देखनी है कि यूनिफॉर्मली चार्ज अगर हमारे पास कोई सर्कुलर आर्क होती है तो उसके केस में क्या होता है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क का मतलब क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर, नहीं बेटा अरीबा, बच्चा देखो ये वाला जो क्लास है ना बच्चों, मैं सब लोगों को फिर से बता देती हूँ, ये वाली क्लास आपकी चलेगी थोड़ी क्रैश कोर्स टाइप में, क्योंकि हमारे पास हफ्ते में खाली 2 घंटे मिल रहा है फिजिक्स मुझे बाकी जो मेरा दूसरा वाला बैच है उसमें 6 घंटे फिजिक्स की क्लास मिल रही है, तो उसमें कोर्स थोड़ा अच्छे से और मैं कवर करवा पा रही हूँ। ठीक है, हमारी ये जो क्लास चलेगी, एक तो ऑलरेडी लेट शुरू हुआ है, ऊपर से 1 घंटा ही मिल रहा है हम लोगों को, तो ये थोड़ा क्रैश कोर्स टाइप चलेगा, तो ज्यादा हम डेरिवेशन पे फोकस नहीं करेंगे, आपको एक्सप्रेशंस में सारे बता दूंगी। वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन दी एप्लीकेशंस, वी विल ट्राई टू फोकस मोर ऑन दी क्वेश्चंस, तो आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो भी आप लोग भेज दो। हाँ बेटा, मतलब मैं यही ट्राई करूंगी मुस्कान बच्चा कि आप लोगों के जो भी 6 आर के नोट्स, मैं आपको 12 आर के नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगी, और जो आपकी क्लासेस ये हो रही है उसके 6 आर के नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो 6 आर के नोट्स तो आपके पास रहेंगे ही, 12 घंटे के भी जो नोट्स होंगे वो भी आप लोगों के पास रहेंगे, अगर आपको देखना है रेफर करना है तो आप उनको भी यूज करके कर सकते हो।
ठीक है, यू कैन यूज दोज नोट्स एज वेल एंड यू कैन रेफर टू देम. जैसे मेरा जो बिटली लिंक है ना, उसी के अंदर हम लोग डाल देंगे वो वाली चीज. गुड इवनिंग दिशा बेटा. बेटा आपकी ना क्लासेस का जो स्केड्यूल है वो चेंज हो गया है. आप लोगों का क्लासेस का एक पूरा प्रोसेस हुआ था मार्च के टाइम पे, जिसमें आप लोगों ने एक पेपर दिया था, उस पेपर के रिजल्ट पे आप लोगों को कॉल करा गया था और आप लोगों को बैच अलॉट हुए थे अल्फा फोटोन कैटलिस्ट. टीचर ने फोन पे आपका वाइवा लिया था. ठीक है, तो वो वाला जो पूरा प्रोसेस है, इफ दैट इज कम्प्लीटेड देन आप लोग आपके जो भी बैचेस हैं वो आपको एलोकेट हुए हैं और अब उनके हिसाब से आपकी क्लासेस हो रही है. ठीक है बेटा, तो ये जो 6 आवर्स वाली नहीं, अगर आपको मन है तो आप 12 आवर वाली भी ले सकते हो. 12 आवर वाली बैच नहीं हो रही, बल्कि अब तो एक दिन में 1.5 घंटे की 2 क्लास हो रही है. ठीक है, तो 3 घंटे की क्लास हो रही है हमारी एक दिन के अंदर. अब ये वाले बैचेस चल रहे हैं जो आपके अल्फा फोटोन और कैटलिस्ट बैचेस चल रहे हैं, इस हिसाब से चल रहे हैं. ठीक है बच्चों, तो बहुत मतलब काफी सारे बच्चों ने उस टाइम पे वाइवा नहीं दिया, इस वजह से मेरे को लग रहा है कि आप लोग नहीं आ पाए होंगे उन बैचेस में. तो मैं आप लोगों को अपना नंबर शेयर कर दूंगी एक बार क्लास के एंड में. उस नंबर पे आप मुझे अपना नाम, स्कूल आईडी और ईमेल, अपना जो भी ये सारी डिटेल्स है अलॉन्ग विद द इशू, वो टेक्स्ट कर देना. फिर आई ट्राई कि आपको मैं वहां पे ऐड करवा पाऊँ उस ग्रुप के अंदर. ठीक है. हाँ दिशा बेटा, ये तो आपका 6 आवर का बैच है भूमिका बच्चा, ये वाला आपका 6 आवर का बैच है. और बेटा दिया था तो मैंने वो फॉरवर्ड कर दिया, एक बार मैं फिर से फॉरवर्ड कर दूंगी. ठीक है, आई विल ऑल्सो फॉरवर्ड इट टू अनदर मैम ताकि वो वाली चीज हो पाए. जिन बच्चों ने दिया है उनका मैंने ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दिया है, आई थिंक वो पीछे की साइड पे चल रहा होगा. बेटा फिजिक्स की तो जैसे टीचर मैं हूँ यहाँ पर, है ना. अब आपका स्केड्यूल क्या है कि हफ्ते में आपकी 2 क्लास फिजिक्स की हो रही है, 2 केमिस्ट्री की हो रही है, 2 आपकी मैथ्स या बायो की हो रही है ना. तो फिजिक्स की क्लास होती है आपकी ट्यूजडे और फ्राइडे को, तो फिजिक्स की क्लास में मैं ही दिखूंगी आपको. ठीक है, 9 से 10 अगर कोई क्लास होगी तो फिर आपको मैं ही दिखूंगी वहां पर. उसके अलावा आपकी जो भी मैथ्स की क्लास होगी या फिर केमिस्ट्री की क्लास होगी वो वाले टीचर्स वो अपने आप हैंडल करेंगे. ठीक है अंकिता बेटा, तो हर दिन आपको नए टीचर ही देखने को मिलेंगे क्योंकि आपकी हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट की क्लास होती है. ठीक है बेटा, ईवाई और ईएक्स का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर अगर ये पॉइंट पी है तो ये जो पॉइंट पी होता है इस पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कॉम्पोनेंट्स आएंगे. ये हो जाएगा आपका ईएक्स कॉम्पोनेंट. ठीक है, यहाँ पर आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में आएगा और आपका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगा, है ना. कुछ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में भी आएगा तो वो हो जाएगा आपका ई वाई कॉम्पोनेंट. जो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है या ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो वो आपका ई वाई हो जाता है. ठीक है, तो ई एक्स और ई वाई जो है वो आपका अलग अलग होता है बेटा. ई एक्स हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एक्स डायरेक्शन कितना आ रहा है, ई वाई हो गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन कितना आ रहा है. ठीक है बेटा, अभी काशी कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं किया, अभी एक बार पिछली का ही रिवीजन कर रहे थे हम लोग. मेरा नाम साक्षी मैम है, मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाती हूँ बेटा. ठीक है, अच्छा एक ही सब्जेक्ट के कुछ नहीं होता बेटा, उनमें भी आपको क्लासेस में दिक्कत नहीं आएगी. आप क्लास लेते रहो, आपको सारे टॉपिक से मतलब है. देखो जो बच्चे भी ये वाली क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग 1 घंटे की क्लास इसीलिए ले रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप और कुछ ना कुछ क्लास ले रहे हो, है ना बेटा. तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप जेई के लिए तैयारी कर पाओ, नीट के लिए तैयारी कर पाओ, क्योंकि इसमें हम फॉर्मुलाज और क्वेश्चन उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना बेटा. देख लो ये तो फॉर्मूला है, तो पिछली क्लास में भी किया था मुस्कान बच्चा. दिस इज जस्ट अ सिंपल फॉर्मूला. ठीक है चले आगे. ये बताओ अब यार, कर लिया यार ये तो नोट डाउन, क्या एक फॉर्मूला पे अटक गए यार सब लोग. आगे चलते हैं, थोड़े क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे. बढ़िया बढ़िया, मतलब क्या है, छोटा सा फॉर्मूला. ये फॉर्मूला शीट बना लेना एक, मैंने अपने जो नोट्स बिटली लिंक भेजा है ना उसके अंदर थोड़े से वो है आपके अच्छे अच्छे पीडीएफ मैंने उसमें डाल रखे हैं वो लिंक के अंदर, वहां पे जाकर फॉर्मूला शीट वगैरह देखना. बढ़िया है, अपनी भी एक फॉर्मूला शीट बनाओ, वो भी बहुत जरूरी है. ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करना जरूरी रहता है, वरना बच्चे ऐसे एकदम से ढीले पड़ जाते हैं कि मैम हमें तो पढ़ाई करनी आती ही नहीं, अब हम क्या ही करें. बेटा अब आर्क का मतलब क्या होता है, आर्क का मतलब होता है ये कि बेटा एक आपके पास ऐसे आर्क है, एक ऐसे आर्क है आपके पास जिसपे कुछ चार्ज है. ठीक है, ये आपके पास कुछ आर्क है जिसपे कुछ चार्ज है. अब यहाँ पर आपको ये पता होता है कि ये जो आर्क है ये किसी सर्कल का ही पार्ट होती है ना, ये जो आर्क होती है दिस इज पार्ट ऑफ सम सर्कल. तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होती है कि ये जो सर्कल है इसका रेडियस कितना है, आपको इन्फॉर्मेशन होती है कि आर्क के ऊपर भी आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी है, लैम्डा के बराबर होती है वो. एंड आपके पास ये एंगल होता है. ठीक है, आप लोगों के पास ये एंगल होता है. So using all these things, you can actually write down the electric field in this case. The electric field arc का कितना होगा? इसके लिए एक derivation है, derivation देखनी है. So again, refer to my notes, वो आपको मिल जाएगा. Short notes और formula sheet में थोड़ा सा अंतर होता है, वो depend करता है कि बच्चा उसको कैसे बना रहा है.
तो बेटा शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या हो गया कि आपने सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं, थोड़ी बहुत डेफिनेशन लिख ली थी, उनके फॉर्मुले लिख लिए, सब कुछ लिख लिया. फॉर्मुला शीट इज जस्ट फॉर्मुलास. एफ इज इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. के का इतना हो गया, के का मतलब हो गया 1/4 pi epsilon नॉट इन वैक्यूम, 1/4 pi epsilon इन रिलेटिव वगैरह. ये सब कुछ नहीं लिखना उसमें, खाली फॉर्मुलाज ही फॉर्मुलाज आते हैं उसमें, आपको कुछ और नहीं लिखना. शॉर्ट नोट्स में फिर भी आप थोड़ी बहुत थियोरी लिख देते हो, फॉर्मुला शीट में खाली फॉर्मुलाज होते हैं. ठीक है, तो मैं तभी बोलती हूँ सब बच्चों को कि अपने हिसाब से अपनी फॉर्मुला शीट, अपने हिसाब से अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाओ, ताकि आप लोग तो अपने नोट्स को समझ पाओ ना. अगर आप लोग ही नहीं समझ पाओगे तो क्या फायदा. मैं तो अपने हिसाब से बनाती थी, ऐसे कलरफुल कलरफुल बनाती थी. मतलब मैंने आपके टाइम पे जेई का पेपर, तो मेरे को इतना शौक नहीं था उसका, मैंने अपने जो गेट और नेट का पेपर होता है जेआरएफ का, वो क्लियर कर रखा है. उसके अंदर मैं यही करती थी बेटा कि जो ये नोट्स बनाते हैं, जो ये शॉर्ट नोट बनाते हैं, वो मैं कलरफुल पेन से बनाती थी, ताकि उनको देख के मन भी करे और उनको देख के मुझे समझ भी आ जाता था. ठीक है, तो बेटा अगर आपके पास एक सर्कुलर चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क है, तो उसका आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशन आता है. इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है कुछ ऐसे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे होती है, बिल्कुल इसी तरीके से होती है. अगर आपकी पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी अगर हमारी चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है. तो ये सब बच्चे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलूंगी. ठीक है, ये सब बच्चे नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे चलूंगी. हाँ बेटा, डाउनवर्ड डायरेक्शन रहती है, मतलब डाउनवर्ड नहीं, ये जो मेरी ये वाली रिंग होती है ना, इसके एक तरीके से अगर मैं इसका ये बाइसेक्टर वाला चीज ज्वाइन कर दूं, तो उसके अलोंग डायरेक्शन होती है आपकी. ठीक है, ये जो भी हमारी सर्कुलर आर्क है, इसका अगर मैं ये जो बाइसेक्टर है वो यहाँ पर ज्वाइन कर दूं सेंटर से, तो उसके अलोंग हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है. ठीक है बेटा. हाँ बेटा, मेरे को एनसीईआरटी के हिसाब से नहीं करवाना ना भूमिका बच्चा, मेरे को आपका जेई और नीट के हिसाब से करवाना है सिलेबस. तो मैं आपको उसी तरीके से करवाऊंगी, टॉपिक्स भी, क्वेश्चंस भी, कि आप लोगों के जो पेपर है वो क्वालिफाई हो जाए. जेई नीट में डिलीटेड सिलेबस का कुछ मतलब नहीं है. ठीक है, अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. अगर चार्ज नेगेटिव हुआ तो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम रहेगी. ठीक है, अगर हमारा चार्ज सपोज नेगेटिव है तो डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल स्टिल रिमेन द सेम, डायरेक्शन आपकी कुछ ऐसे आ जाएगी बस, है ना. नेगेटिव में थोड़ा सा अट्रैक्शन रहती है ना बेटा. ठीक है बच्चा. अंकिता बेटा एक बार मुझे टेक्स्ट करो, मैं आपको टाइम टेबल भेज देती हूँ. क्लियर है, आगे चलूं? चलो, अब इसी वाला ये जो हमने केस देखा है यहाँ पर, ये जो केस है इसके थोड़े से स्पेशल केसेस होते हैं. स्पेशल केसेस क्या होते हैं, जो आप लोगों के पेपर में आते हैं. हाँ हाँ, तो ये तो बड़ा ही पुराना एक्सप्रेशन है ना विवेक बेटा, अब ये तो डिस्क्रीट बॉडीज के लिए आ गया सिंगल चार्ज की वजह से. अब यहाँ पर हमें अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखना है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, है ना. अच्छा, तो वो ये वाला पार्ट है जो हम अभी आज कर रहे हैं. नीट में आपका, हाँ नीट में थोड़ा सिलेबस कम रहता है. नीट में भी ये आर्क रिंग वगैरह वाली चीजें तो आती हैं, उसमें 2-3 टॉपिक्स जो आपके नहीं आते वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी. बाकी यहाँ पर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, खाली फॉर्मुलाज ही कर रहे हैं. तो नीट में भी अगर आपको फॉर्मुलाज पता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है. ठीक है वंशिका बेटा, अगर आप फॉर्मुलाज भी नोट डाउन कर लोगे तो वो भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल ही होगा. ठीक है, चलो तो अब आगे चलते हैं बच्चों. अब थोड़े से स्पेशल केसेस देख लो. इसका पहला स्पेशल केस बनता है कि अगर आपके पास क्वार्टर रिंग है तब क्या होगा. अगर हमारे पास एक क्वार्टर रिंग है तब क्या होगा. तो क्वार्टर रिंग का क्या मतलब होता है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वार्टर रिंग, दैट यू आर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन, दैट व्हाट यू आर हैविंग इज यू आर हैविंग दिस. सो बेसिकली आपके पास जो सर्कल है उसका खाली 1/4 हिस्सा है. नहीं नहीं बेटा, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थोड़ी निकाल रहे हैं विवेक बच्चा, यहाँ पे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करते हैं ना. छोटा सा एक चार्ज एलिमेंट ले लो डी क्यू, इसके ऊपर वो डी क्यू की वजह से छोटा सा फील्ड निकाल लो डीई, और उसको इंटीग्रेट जब करोगे तब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आता है ना बेटा. यही तो आपकी तो डेरिवेशंस हैं एनसीईआरटी के अंदर भी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग वगैरह वाली डेरिवेशन है. कर रही हूँ बेटा एक बार रिफ्रेश में, है ना. तो वो डेरिवेशन, एक दो डेरिवेशन तो करो सब बच्चे. ये हमारा क्वार्टर रिंग हो गया, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 degrees. It is making an angle of 90 degrees. If the charge density on this is lambda, तो हमें पता है कि electric field की value कितनी होती है. अभी हमने पीछे expression लिखा 2k lambda upon r sine phi by 2. यहाँ पर आपका phi कितना है 90 degree. यहाँ पर आपका phi कितना है 90 degree. तो एक तरीके से यहाँ पर अगर मैं electric field निकालूंगी, net electric field मेरे पास कितना आ जाएगा, net electric field की value आ जाएगी √2k lambda upon r. ठीक है, सो दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस केस.
अब अगर यहाँ पे आप बच्चे मेरे से डायरेक्शन पूछोगे तो डायरेक्शन भी हम लोग लिख सकते हैं बेटा। अरीबा इसीलिए लेते हैं ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको एक डायरेक्शन जो है वो पता चल जाए। वो तो अगर आप नेगेटिवली चार्ज लोगे तो उसमें डायरेक्शन खाली उल्टी हो जाएगी, ठीक है। हमारा कन्वेंशन यही है कि हम पॉजिटिव वाली चीज ले लेते हैं, है ना बेटा। मेरा नाम साक्षी मैम है, मैं रिफ्रेश कर दिया है बेटा, अब आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मैंने कहा था कि इसका जो बाइसेक्टर होता है उसके अलॉन्ग होगी, सो दिस विल बी योर डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। दिस इज योर डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू यू हैविंग, दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू यू हैविंग के लैम्डा अपॉन आर इन द एक्स डायरेक्शन एंड यू हैविंग के लैम्डा अपॉन आर इन द वाई डायरेक्शन एंड बोथ ऑफ देम आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, ठीक है, विद ई नेट। जब आप इसको वेक्टर सम करोगे तो आपके पास ई नेट की वैल्यू आ जाएगी रूट टू के लैम्डा अपॉन कैपिटल आर, ठीक है बेटा। ये वाला चीज नोट डाउन कर लिया तो फिर मैं आगे चलूंगी बच्चों। You guys have noted this down, then I will move forward. अभी visible है बेटा, I think मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये तो quarter ring का आ गया, इसी का एक दूसरा case special जो होता है वो semicircular ring का आ जाता है। एक दूसरा special case आप लोगों का semicircular ring का आ जाता है। Ring के लिए अभी बाद में derive करेंगे राज, ठीक है। पूरी की पूरी जो ring होएगी उसकी expression अभी derive तो नहीं करेंगे, मैं बता दूंगी बाद में, पहले एक बार ये वाले सीख लो, इसके एक दो questions solve कर लेंगे फिर। एक केस होता है हमारा semicircular ring का। तो यार सेमी सर्कुलर रिंग भी कर लोगे तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम तो ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे हो हमारे। सेमी सर्कुलर रिंग का क्या मतलब हो गया कि अब आपके पास कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, यही तो होती है ना सेमी सर्कुलर रिंग। सेमी सर्कल बना दिया मैंने, सेमी सर्कल तो बनाने में क्या दिक्कत है तुम्हें, ठीक है। सो लेट मी से दैट द चार्ज हियर इज लैम्डा, अगेन आई एम टेकिंग पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, वेरी गुड, 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा, बिल्कुल सही बोला बच्चे ने। कैसे आएगा, अब यहाँ पर आपका एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, है ना। यहाँ पर मेरा एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्रीज, अगेन यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर ई एस 2k लैम्डा अपॉन आर साइन 5/2, तो बेटा साइन 5/2 तो 1 ही आ जाएगा, तो डायरेक्टली हमारे पास ई नेट की कितनी वैल्यू आ जाएगी 2k लैम्डा अपॉन आर, ठीक है। सब बच्चे इसको अपनी कॉपीज में कैलकुलेट कर सकते हो, हमारा जो फाइव की वैल्यू है दैट विल डायरेक्टली बिकम 180 डिग्री, हाँ बेटा, ठीक है। phi की जो वैल्यू है दैट विल डायरेक्टली बिकम इक्वल टू 180 डिग्री, एंड जैसे आप 180 डिग्री यहाँ पे डालोगे साइन 5/2 आपका 90 डिग्री हो जाएगा ना, साइन 90, तो हमारे पास कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगी कुछ इस तरीके से, दिस विल बी माई ई नेट, नहीं नहीं बेटा साइन थीटा नहीं लिखते ना अपन, साइन 5/2 आएगा, इसकी भी पूरी एक डेरिवेशन है, तो जब हम वो डेरिवेशन करते हैं तो साइन 5/2 आता है। फाइ इज द एंगल व्हिच द रिंग इज इंस्क्राइबिंग ऑन द सेंटर, सो दैट इज व्हाई वी नीड टू कंसीडर दैट पर्टिकुलर एंगल, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको वो वाली जो चीज है वो गिवन रहेगी, ठीक है बेटा। ये वाली चीज नोट डाउन कर लो, फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों को। बेटा थीटा लेना है तो थीटा बाय टू ले लो, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वो तो एंगल की बात है, एंगल का कोई भी सिंबल ले सकते हो, है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि मैम फाई ही लेना है थीटा ही लेना है, आपको थीटा लेना है तो आप थीटा ले लो, ये एंगल आप थीटा लिख के इसको थीटा से रिप्लेस कर दो फॉर्मूला में, है ना बेटा। यहाँ पर मैंने ये अजम्पशन लिया कि जो आर्क है दैट इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द सेंटर, अगर आपको थीटा लेना तो थीटा ले लो यार, वो तो खाली सिंबल है ना, हमें तो मतलब समझना है, ठीक है, हमें मतलब समझना है यहाँ पर, हम मतलब थीटा में क्यों अटके कि हाँ मैम यहाँ पे थीटा लेना है या फिर हाँ मैम यहाँ पे फाई लेना है। आप मतलब समझो कि भाई 2k लैम्डा अपॉन आर आ जाएगा साइन ऑफ जो भी एंगल इंस्क्राइब कर रहा है उसका आधा एंगल लेना है, ठीक है बेटा। Is this okay, guys? Should I move forward? चलो अब एक ये छोटा सा क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, ये क्वेश्चन समझ लो, अच्छा क्वेश्चन है, जेई वालों के लिए थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नीट वालों के लिए थोड़ा कम, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है नीट वाले बच्चों के लिए, बट ठीक है समझने में कोई बुराई नहीं है। तो बेटा यहाँ पर आपको एक तो क्वार्टर रिंग गिवन है और एक आपको चार्ज रॉड गिवन है, जो सेमी इनफाइनाइट चार्ज रॉड का केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था वो, इसकी वजह से आपसे पूछा है कि भाई पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बताओ,
पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ये बता दो। तो कैसे बताओगे आप लोगों को? अभी तो एक्सप्रेशन मैंने करवाया ही है, क्वार्टर रिंग का एक्सप्रेशन तो मैंने अभी करवाया है ना, कि अगर आपको यहाँ पर इस वाले पॉइंट पे बताना है, आपको इस वाले पॉइंट पे आप लोगों को बताना है। किरण बेटा लेट हो गए बच्चा, आज मैंने ना जो आर्क होती है उसकी वजह से बताया है कि आर्क की वजह से आपके क्या एक्सप्रेशन आते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी आर्क होगी इस तरीके की, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है 2k λ/r, 2k λ/r साइन ऑफ फाइव आर्ट, वेर फाइव इज द एंगल विच द आर्क इज इंस्क्राइबिंग हियर। सो हियर यू कैन सी दैट द एंगल इज 90 डिग्री, तो इसकी वजह से यहाँ पे साइन 45 का फैक्टर आ जाता है। उसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा पॉइंट पी पे कुछ इस तरीके से आएगा, है ना। हमने लिखा था ना इसकी वैल्यू कितनी लिख दी थी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी ना √2k λ/r आई थी। और इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, अगर इसके मैं कंपोनेंट्स कर देती हूँ, अगर इसके मैं x और y कंपोनेंट कर देती हूँ तो 45 डिग्री का यहाँ पर एंगल बन रहा है। अगर मैं x और y कंपोनेंट कर दूंगी मेरे पास k λ/r आ जाएगा और k λ/r आ जाएगा। इज दिस ओके गाइज, ये वाली चीज सही है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आपको क्या गिवन है, दूसरी चीज आप लोगों को गिवन है एक चार्ज रॉड, ये जो ब्लू कलर की है, एक चार्ज रॉड गिवन है और आपको बोल रखा है कि बेटा ये सेमी इनफाइनाइट है, एक एंड से इनफाइनाइट है, दूसरे एंड पे आपको पोटेंशियल बताना है एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। तो ये बेटा हम लोगों ने कल की क्लास में, मतलब जो आपकी ट्यूसडे की क्लास थी उसमें कवर किया था। इस वाले केस में भी हम लोगों ने देखा था कि अगर हम ई एक्स की वैल्यू निकालते हैं वो आपकी k λ/r आती है, और ई वाई की वैल्यू निकालोगे तो वो भी हमारी k λ/r आएगी, है ना बच्चों। तो अब बेटा मैं कर सकती हूँ, अब मैं इन दोनों को वेक्टर सम करके आंसर निकाल सकती हूँ ना, मेरा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, निकाल सकती हूँ नहीं निकाल सकती, कैसे निकालेंगे आंसर? अब बेसिकली रॉड की वजह से तो कुछ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, रॉड की वजह से अगर मैं ड्रॉ करती हूँ तो आई एम गेटिंग k λ/r, बिल्कुल सही बोल रहे हो आकाश बेटा। कौन सी डायरेक्शन में आएगा ये भी बताओ, आई कैप जे कैप, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास k λ/r आ गया, यहाँ पर मेरे पास रॉड की वजह से k λ/r लग रहा है, और ये जो रिंग है, रिंग की वजह से भी सेम ही सिचुएशन हो रही है, रिंग की वजह से भी सेम सिचुएशन हो रही है, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये k λ/r आ रहा है रिंग की वजह से, और नीचे की डायरेक्शन में भी सेम k λ/r आ रहा है रिंग की वजह से। तो आ गया यार नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों k λ/r कैंसिल आउट कर जाएंगे, है ना, ये दोनों k λ/r कैंसिल आउट कर जाएंगे। आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, कुछ ऐसी वैल्यू आती है 2k λ/r, और डायरेक्शन हो जाएगी माइनस जे कैप। ये क्लियर है? इस तरीके के ना आपके कुछ भी मैं क्वेश्चन दे सकती हूँ बनाकर, रिंग और ये रॉड के। तो आपको अगर एक्सप्रेशन पता है आर्क वाला और एक्सप्रेशन पता है रॉड वाला, तो आप ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। सही है बच्चों, बेटा मैंने बोला कि हम लोगों ने अभी देखा कि एक आर्क की वजह से अगर आपके पास कोई भी चार्ज्ड आर्क है विच इज इंस्क्राइबिंग सम एंगल एट द सेंटर, उसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, अभी हमने निकाला ना बेटा। तनिषा बेटा डायरेक्टली हो जाएंगे k λ/r, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना। ये जो एक्स डायरेक्शन वाले कॉम्पोनेंट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चा, ठीक है तनिषा, ठीक है बेटा। मोहित बेटा अब मैंने क्या बोला कि हमारे पास एक सेमी सर्कल, एक क्वार्टर रिंग है, तो क्वार्टर रिंग की वजह से अगर आप वहां पे फाई के एक्सप्रेशन में 90 डिग्री पुट करोगे, अगर फाई के एक्सप्रेशन में 90 डिग्री पुट करोगे, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितना आ जाएगा, √2k λ/r, ठीक है बेटा। तो इस √2k λ/r के मैंने एक्स और वाई कॉम्पोनेंट्स ले लिए, रॉड की वजह से जो फील्ड है वो हमने लास्ट क्लास में डिराइव किया था, ई एक्स और ई वाई की क्या वैल्यू आती है। सो फॉर अ सेमी इनफाइनाइट रॉड एक एंगल आपका जीरो हो जाता है, एक आपका 90 डिग्री रहता है। So you get this sort of an expression in this particular case. तो अगर मैं इन दोनों का वेक्टर सम कर दूंगी, मेरे पास खाली जो आंसर है वो बचेगा 2k λ/r in downwards direction, मतलब minus j cap. Is this okay now guys? मोहित बेटा समझ में आया आपको? ठीक है चलो अब आगे चलते हैं। अब एक बच्चा रिंग के बारे में पूछा था, तो थोड़ी रिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो रिंग के भी दो केसेस बनते हैं। पहला केस तो ये है कि अगर आपके पास कोई चार्ज रिंग है, अगर आपके पास कोई चार्ज रिंग है, पॉजिटिव चार्ज रिंग है, नेगेटिव चार्ज रिंग है, तो उसके सेंटर पे क्या एक्सप्रेशन आएगा,
उसके सेंटर पे क्या एक्सप्रेशन आएगा बेटा? आप दो तरीके से इसको इमेजिन कर सकते हो. अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा है 2k लैम्डा अपॉन r साइन ऑफ 5/2, तो यहाँ पर आपका जो फाइ है वो 360 डिग्री हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो जाएगा, है ना? ये चीज आप यहां से भी देख सकते हो, यही सेम चीज आप सिमेट्री से भी देख सकते हो. वी कैन सी द सेम थिंग फ्रॉम सिमेट्री, वी कैन सी द सेम थिंग फ्रॉम सिमेट्री. सिमेट्री का क्या मतलब है भाई? पूरे की पूरी रिंग सिमेट्रिक है ना, तो जितने भी आप कॉम्पोनेंट्स बनाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे ना बेटा. जितने भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्पोनेंट्स बनाओगे रिंग में सारे के सारे एलिमेंट्स की वजह से दे विल कैंसिल ईच अदर आउट, तो ऑब्वियसली मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेंटर पे जीरो ही आना चाहिए. दूसरा केस आप लोगों का क्या बनता है? दूसरा केस हमारा बनता है कि अगर हमारा एक्सियल पॉइंट है तो एक्सियल पॉइंट पे क्या आ रहा है, इसकी आप लोगों ने डेरिवेशन भी करी होगी, इसकी आप लोगों ने स्कूल के अंदर डेरिवेशन भी करी होगी कि अगर हमारे पास इस तरीके की रिंग है, अगर हमारे पास इस तरीके की रिंग है, अब एक्सियल पॉइंट का क्या मतलब हो गया, इसके एक्सेस पे कोई पॉइंट, इसके एक्सेस पे कोई पॉइंट है तो उस केस में हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आएगा. सो लेट मी से दैट द रेडियस ऑफ दिस रिंग इज आर, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस पी, लेट मी से दैट दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस पी. तो इसकी डेरिवेशन एक बार अपनी बुक्स में देख लेना. इसकी डेरिवेशन करने के लिए ऐसे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं ऊपर, और ये जो छोटा सा एलिमेंट होता है इसकी वजह से यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं. ठीक है, ये डीई का एक्सप्रेशन आ गया. फिर अगर आप ऐसा ही छोटा सा एलिमेंट इस साइड पे ले लेते हो, ऐसा ही छोटा एलिमेंट अगर आप इस साइड पे ले लेते हो तो आप लोग ये चीज नोट डाउन करोगे. यही तो है, सेंटर से आउट ही तो पॉइंट है ना बेटा. ये सेंटर से कोई आउट पॉइंट हो तो उस पर आपको नहीं निकालना एक्सप्रेशन, वो आप लोगों को वो भी निकाल सकते हो, यही सेम प्रोसेस रहता है, बट वो आप लोगों को निकालना नहीं है. तो यहाँ पे आप लोग देखते हो कि अगर ये वाला एंगल मेरा थीटा मैं ले लूं, इफ दिस एंगल आई एम टेकिंग एज थीटा, तो खाली कॉस थीटा वाला कॉम्पोनेंट बचता है एंड यू कैन इंटीग्रेट द एंटायर एक्सप्रेशन. आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, बिल्कुल सही लिखा है बच्चे ने, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 आई कैप. जहां पर ये एक्स क्या है, अगर बच्चा कोई पूछता है कि हाँ मैम ये एक्स की वैल्यू कितनी है, तो एक्स होता है आपका ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग. जस्ट रखे एक सेकंड बेटा, रिफ्रेश कर रही हूँ, अभी तो काफी टाइम बचता हुई है. चलो पॉजिटिव चीज है, ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन सब बच्चे नोट डाउन कर लो. ये एक्सप्रेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो एक्सेस के अलोंग रहेगी. ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो एक्सेस के आपके अलोंग रहती है इस डायरेक्शन में. अगर नेगेटिवली चार्ज रिंग है तो आप इसकी डायरेक्शन जो है वो उल्टी अज्यूम कर सकते हो. अगर आप लोगों के पास नेगेटिवली चार्ज रिंग है देन यू कैन अज्यूम द डायरेक्शन एज उल्टा. अरे उल्टा ले लेना ना, नेगेटिवली चार्ज रिंग हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा, मैग्नीट्यूड सब में सेम रहेगा. अगर आपके पास कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो नेगेटिव है तो उसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो उल्टी हो जाएगी, मैग्नीट्यूड वैल्यू सब कुछ सेम रहेगा. ठीक है बेटा? हाँ काशी, इनकी डेरिवेशन जरूर इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, मैं तो ये चीज बोलूंगी आप लोगों को. ठीक है, डेरिवेशन तो जरूरी है इन चीजों की, डेरिवेशन आप लोगों को पता भी होनी चाहिए. ठीक है, तभी मैंने आपको बोल रखा है कि माय बिटली लिंक इज शेयर्ड विद यू, इफ यू वांट टू सी एनी डेरिवेशन यू गाइस कैन. अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन है जो लगती है कि नहीं हमारे सिलेबस में बहुत ही ज्यादा स्कूल वगैरह में नहीं हुई है करवाने का मन है, तो आप मुझे बता भी देना, मैं वो ट्राई करूंगी करवा दूँ. बट प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास इतना कम टाइम का कंस्ट्रेंट है कि मैं आपको सारी डेरिवेशन और चैप्टर पूरा डिटेल में नहीं करवा सकती. तो ये वाली जो क्लासेस है, बार बार मैं यही रिपीट कर रही हूँ कि ये जो क्लासेस है ये थोड़ा क्रैश कोर्स के तरीके से चलेगी. ठीक है बच्चों, करी है मैंने पीछे स्लाइड, मुस्कान देख लो एक बार बेटा. ठीक है, देख लो एक बार बेटा, स्लाइड मैंने कर दी थी पीछे. ये कर लिया है तो बताओ फिर आगे चलती हूँ, एक क्वेश्चन करवा देती हूँ, इसका अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखना, ध्यान से समझना. ठीक है बेटा, अगर x इन्फिनिटी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक तरीके से जीरो हो जाएगा ना बेटा, है ना बच्चा? अगर आप इनफाइनाइट पॉइंट पे ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की कहाँ वैल्यू आएगी, वहां पे तो इन्फ्लुएंस फील ही नहीं होएगा ना, तो वहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आप जीरो ही ले लोगे. ठीक है, अभी रुक जाओ 2 मिनट, क्या कर रहे हैं 2 मिनट.
आधे घंटे की क्लास बची है, 2 मिनट में क्या करोगे? लाइबा बच्चा ने ज्वाइन किया, मुझे याद है कि लाइबा मेरी स्टूडेंट थी, इनका नाम इतना यूनिक था कि आई रिमेम्बर दैट लाइबा वाज माय स्टूडेंट जब 11th में थे। ठीक है, जैसे मेरा नाम साक्षी है, मेरा नाम तो ऐसे कॉमन सा है, सब लोगों ने ऐसे किसी ना किसी साक्षी से सब लोग मिल ही रखे होंगे, बट बाकी कुछ बच्चों के नाम होते हैं बड़े यूनिक यूनिक होते हैं। मैं बोलती हूँ अपने मम्मी पापा को कि आप लोगों ने मेरा नाम यूनिक नहीं रखा। ठीक है, कर लिया नोट डाउन किरण बच्चा, चलूं आगे। नाम मुस्कान भी कॉमन है, ये तो मुझे ही पता है। मैं बता दूंगी तुम में से किसी का ये नाम यूनिक है, ये जो बच्ची का नाम है तौकीर, मैंने कभी नहीं सुना ये नाम, मुझे पता भी नहीं कि मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं कर रही। ठीक है, आशीष भी कॉमन ही है भाई, आशीष अनिकेत सब कॉमन है तुम्हारे नाम कोई ऐसा नया नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है चलो फिर, इसे राइट किया है, चलो बहुत ही बढ़िया हो गया। विवेक भी कॉमन है, ऋतिका भी कॉमन है। अरे अपने नाम खुद पढ़ के समझ लो कि कॉमन है, अगर अपने नाम के किसी और बंदे से मिले हो तो समझ लो कि कॉमन नाम है। हाँ, ये दिस अल्फा नाम इज यूनिक, वेरी नाइस। चलो अब आगे, दिव्यांशी, दैट इज ऑल्सो क्वाइट नाइस यार, ये भी अच्छा नाम है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि अच्छे से इस क्वेश्चन को समझें और अच्छे से इसका आंसर निकालें। ठीक है, ये ऑसिलेशन तरीके का क्वेश्चन है बेटा, नीट जेई सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे छोटा सा है, क्वेश्चन वैसे छोटा सा है, बट बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर, उसको कर नहीं पाते। ठीक है, अब आ जाओ, अब अपने नाम खुद पढ़ के समझ जाओ कि हाँ यूनिक है या नहीं है। अगर अपने नाम वाले किसी और से मिले हो तो यूनिक नहीं है, अगर नहीं मिले हो तो हाँ हो सकता है यूनिक हो। तो बेटा अब इस क्वेश्चन में आपको गिवन क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर। हमारे पास एक बढ़िया ऐसा सर्कुलर रिंग है जिसके बारे में अभी तक हम पढ़ते आए हैं, और उस सर्कुलर रिंग के ऊपर आपने कुछ पॉजिटिव चार्ज क्यू आपने स्प्रेड कर रखा है, पॉजिटिव चार्ज क्यू आपने स्प्रेड कर रखा है। अब आपने क्या किया, एक पॉइंट पार्टिकल लिया, आप लोगों ने एक पॉइंट पार्टिकल लिया जिसका मास था m, जिसका मास था आपका m के बराबर और चार्ज था उसका माइनस। सो लेट मी से दैट दिस वाज माय पॉइंट पार्टिकल, जिसका चार्ज है माइनस क्यू, जिसका मास है m। आपने इसको इसके एक्सिस पे प्लेस कर दिया एट अ डिस्टेंस x, यू हैव प्लेस्ड इट एट इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर। आपको बताना है कि इस पे फोर्स कितनी लग रही है, पहला आपका क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि यहाँ पर फोर्स कितनी लग रही है। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि अगर एक्स तो बहुत ही छोटी वैल्यू है, अगर आपने इसको रिलीज कर दिया तो ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आया सब लोगों को? ठीक है, तो यार जेन्युइनली सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है उससे ये क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन हम लोगों को पता है, ये आपको याद होना चाहिए, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी हम कर रहे हैं ना, चाहे रॉड हो चाहे रिंग हो चाहे कुछ भी हो, उनके एक्सप्रेशन क्या आ रहे हैं, यू गाइस शुड रिमेम्बर दिस। ठीक है, अरीवा बेटा का भी नाम यूनिक है, अरीवा बोल रही है कि रिपीट कर दो मैम। तो बेटा रिपीट में इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को क्या बोला गया है कि हमारे पास एक, यहाँ पर हमारे पास बेसिकली व्हाट वी आर हैविंग इज, वी आर हैविंग अ रिंग व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, आप लोगों के पास एक रिंग है जो आपकी पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, उसकी उसके पास आपने एक नेगेटिव चार्ज जो है वो प्लेस कर दिया है। हाँ, उज्जवल को मैं जानती हूँ, बहुत अच्छे से जानती हूँ, उज्जवल मेरा स्टूडेंट था पिछले साल, ऐसे अच्छा बच्चा था, जबकि सबसे अच्छा स्टूडेंट था, वन ऑफ माई गुड स्टूडेंट ही वॉज। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर अब आपने एक नेगेटिव चार्ज प्लेस कर दिया है एक्सिस पे, आपसे पूछा गया है कि इस नेगेटिव चार्ज पे सबसे पहले फोर्स कितनी लग रही है। ठीक है, सबसे पहले इस नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कितनी लग रही है वो आपको बताना है। सेकंड चीज आप लोगों को बतानी है कि अगर आप इस पार्टिकल को रिलीज कर दोगे छोटे से डिस्टेंस से तो इसका जो टाइम पीरियड है ऑसिलेशन का वो कितना होगा, वो आपको बताना है। अच्छा, नहीं, उज्जवल जेन्युइनली वेरी स्वीट बच्चा, मेहनत भी करता था बेटा बिल्कुल। तो बेटा फोर्स का एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सही बता दिया आपने गौरव बच्चा, ये आपने बता दिया कि अगर हमारी एक्स इज मच मच लेस देन आर देन वी कैन अज्यूम दिस फोर्स। तो यहाँ पर फोर्स तो डायरेक्टली निकल जाएगी ना, फोर्स कितनी होती है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो फोर्स मेरी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी, तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रेज टू 3/2 माइनस आई कैप। इज दिस ओके गाइस, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया, सिंपल चार्ज से मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, फोर्स का एक्सप्रेशन हमारे पास आ चुका है। अब उसके बाद क्या करोगे भाई, आपको बोल रखा है क्वेश्चन में कि एक्स इज मच मच लेस देन आर, तभी तो हमारी ऑसिलेशन होती है ना, ऑसिलेशन आपकी तभी होती है जब जो एक्स की वैल्यू है बहुत छोटी हो, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, तभी हमारी ऑसिलेशन हो सकती है।
ठीक है बेटा। तो इस सिचुएशन में अगर मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूंगी, अगर मैं फोर्स का एक्सप्रेशन लिखूंगी तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, के क्यू क्यू एक्स, यहां पर क्यू भी तो आएगा, ठीक है, के क्यू क्यू एक्स अपॉन आर क्यूब, इज दिस ओके? ठीक है, स्टक नहीं है रीना बेटा, अभी विजिबल है आई थिंक, है ना? ये मेरा मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने फोर्स का, इतना मेरा फोर्स लग रहा है, इतना सही है फोर्स लग रही है इतनी, ठीक है। अब ये फोर्स से मैं एक्सेलरेशन निकाल सकती हूँ, फोर्स को एम ए के इक्वल कर दो, यहां से मेरी एक्सेलरेशन आ जाएगी कुछ, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, फोर्स अपॉन एम, तो एक्सेलरेशन कितनी हो गई, के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू मल्टीप्लाइड बाय एक्स। एक्सेलरेशन भी तो निकाल सकते हैं ना, एक्सेलरेशन तो हम निकाल ही सकते हैं। तनीषा बेटा नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, अगर ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो इस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में बनेगा ना, तो अगर आप पॉजिटिव को नेगेटिव के पास लिख लोगे तो आपके पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी ना बेटा फोर्स। ठीक है बेटा, स्टक इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्क्रीन जो है मेरी वो कभी कभी बीच में स्टक हो जाती है, बट अभी आई थिंक राज बेटा विजिबल है, अगर स्टक है तो एक बार रिफ्रेश करो बच्चा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसे कुछ एक्सेलरेशन आ गई, तो बेटा अब इसको कंपेयर कर लो ना यार, ये आपकी नेगेटिव आएगी क्योंकि हमारी फोर्स हमारी नेगेटिव थी, इसको कंपेयर कर लो ना एस एच एम वाली एक्सेलरेशन से, तो यहाँ पर ओमेगा की कितनी वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू। अगर इसको आप एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन जो हमारी एस एच एम में होती है दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर आप उससे इसको कंपेयर करोगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, एंड वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ ओमेगा तो टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टू पाई अपॉन ओमेगा, तो कर लो यार ये चीज भी, टाइम पीरियड आपका कितना हो जाएगा एक तरीके से, टू पाई अंडर रूट ऑफ के क्यू क्यू अपॉन एम आर क्यू। ठीक है, अब इसको आप आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, के की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दो, कुछ भी रख दो, तो वहां से आप लोगों के पास एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि ये पार्टिकल अगर यहाँ पे रख दिया है, इसमें फोर्स निकालो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पता है, वहां से आप फोर्स निकाल सकते हो, फोर्स का एक्सप्रेशन आ जाए, अगर आपसे टाइम पीरियड वगैरह कुछ पूछा है तो फोर्स से एक्सेलरेशन निकाल लेना, एक्सेलरेशन से डायरेक्टली आप लोगों का टाइम पीरियड आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इज दिस ओके गाइस? सब मेरा समझ में आ रहा है ना, अभी अभी क्लास पे फोकस करो, बाद में तुम लोग बतिया लेना अपना आपस में, ठीक है? वैसे ही इतना कम टाइम मिल रहा है मुझे तुम लोगों के साथ, ऊपर से तुम लोग आपस में बतिया रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा काम। ठीक है चलो अब आगे चलूं? नहीं, चलो अब अगली थोड़ी डेरिवेशन पे आ जाओ। अब अगला है आपका चार्ज डिस्क, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक विच वी विल बी डिस्कसिंग इज अ चार्ज डिस्क, तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर नीट, इट इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट फॉर जेई दो। डेरिवेशन अगेन यू गाइस कैन फाइंड एट माई बिटली लिंक। ठीक है बेटा, तो डिस्क का मतलब क्या हो गया, पूरा आपके पास एक सॉलिड डिस्क है, ठीक है, पूरा आपके पास एक सॉलिड डिस्क है, तो इस डिस्क का सेंटर अगर कुछ यहाँ पर है, पूरा इस पे मस्त आपका चार्ज फैला हुआ है, पूरा आपका इस पे मस्त चार्ज फैला हुआ है, इसकी वजह से अगर आप किसी पॉइंट पे जो आपका पॉइंट पी है विच इज एट एक्स डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो तो वो भी आप लोग निकाल सकते हो। इसकी भी डेरिवेशन मैंने अपने नोट्स में डाल रखी है, इसकी डेरिवेशन करने के लिए फॉर माई जेई स्टूडेंट स्पेशली, यहाँ पर हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं और वो एलिमेंट आपका रिंग की तरह होता है, वो एलिमेंट आपका रिंग की तरह होता है, तो बेटा ये जो रिंग होती है इसकी वजह से आप लोगों को निकालना है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देना है, तब आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बेटा थियरी तो हो जाती है, थियरी मुझे भी पता है बच्चों की हो जाती है, क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना भला होगा। मैं तो ये बच्चों को बोलती हूँ, अगर मैं भी हूँ यार एज अ टीचर, अगर सपोज मैं कोई क्वेश्चन देखती हूँ मुझे नहीं समझ में आता, तो हो सकता है कि मैं 2-3 बुक्स खोलूँ, उसका फॉर्मुला देखूँ कि अच्छा ये क्वेश्चन किस फॉर्मुला से, हो सकता है फिर मुझे समझ में आ जाए, अगर तब भी समझ नहीं आ रहा तो आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन देख लो, आजकल तो इंटरनेट है, बुक्स है, जो भी आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो हर जगह पे आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन मिल जाएंगे, सोल्यूशन मिलने में दिक्कत नहीं आनी आप लोगों को, तो सोल्यूशन देख के क्वेश्चन सॉल्व कर लो भाई। पहली बार आप क्या करो, क्वेश्चन देखा समझ नहीं आ रहा मैम, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, दूसरी बुक में उसका सोल्यूशन देख लो ना, सोल्यूशन एक बार देखोगे तो फिर आप उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने की कोशिश करो, तब तो हो जाएगा ना गरिमा बेटा।
सब बच्चों से पूछ रहे हो तब तो क्वेश्चन हो जाएगा, अगर एक बार सोल्यूशन देख लिया तो। एक क्वेश्चन ऐसे करा, दूसरा क्वेश्चन ऐसे करा, हो सकता है तीसरा क्वेश्चन अपने आप हो जाए, हो सकता है पांच क्वेश्चन ऐसे करने पड़े, पांचों के पांचों क्वेश्चन में अलग अलग तकनीक लगेगी, तो पांच तरीके की आपको टेक्निक समझ में आएंगी ना, तो हो सकता है छठा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, होगा तो सही, अपनी ऐसे होप थोड़ी छोड़नी है, हो जाएंगे भाई सब क्वेश्चन वगैरह हो जाएंगे, कुछ मुश्किल नहीं है। ये अरीबा, आशीष और कॉनर राज, इन तीनों को ना एक कमरे में बंद कर दूंगी, तीनों अपने आपस में बात करते रहना, ठीक है? ऐसे ब्रेकआउट रूम भी बना सकती हूँ मैं यहाँ पर, बहुत टैलेंट है मुझ में, ठीक है? बाकी सब बच्चे हैं, देखो टेंशन मत लो, पेपर आप लोगों के इंपॉर्टेंट है, मैं सब बच्चों को यही चीज बोलती हूँ कि जितना पढ़ाई करोगे उतना आपके लिए बेटर है, थोड़ा सा एफर्ट पुट इन कर लो, जेई का हो नीट का हो कुछ भी हो अच्छा ही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है बेटा? 11th, अब 12th क्लास में आ गए हो, 11th में तो रहे नहीं, 11th क्लास तुम लोगों की मोस्टली बर्बाद हुई है, क्योंकि तुम्हारा जो सेशन था वही बहुत लेट शुरू हुआ था, सितंबर टाइम पे सेशन शुरू हुआ था, तो काफी बच्चों का 11th पूरा डामाटोल है। सो इट विल बी मच 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 बेटर फॉर यू गाइस कि अभी अपनी जो वेकेशन टाइम है, अगर 2-3 घंटे भी मिल रहे हैं, 11th का भी पढ़ो 12th का भी पढ़ो, स्कूल में मार्क्स आ जाएंगे, स्कूल में मार्क्स आप 12th का पढ़ोगे, जितनी डेरिवेशन कर रहे हो एनसीईआरटी पूरी करके चले जाओ, मार्क्स स्कूल में आ जाएंगे। जरूरी है कि पेपर भी क्रैक करना है ना अपन, तो पेपर वो क्रैक तभी होगा जब जितने क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एटलीस्ट आपको आने चाहिए सारे के सारे, क्या क्या टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्या क्या टॉपिक उसमें यूज कर रहे हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को आने चाहिए। नीट वाले बच्चों के लिए तो मैं स्पेशली बोलती हूँ कि अगर आप एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम कर लोगे तब भी सफिशियंट है आप लोगों के लिए, फिजिक्स बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं आती। जेई वाले बच्चों को जितने क्वेश्चन मिलते हैं उतने क्वेश्चन कर लो, एचसी वर्मा में मिलते हैं एचसी वर्मा में कर लो, किसी और बुक में मिलते हैं किसी और बुक में कर लो, ठीक है बेटा? तो यहाँ पे आपके पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालते हो तो एक बार तो आई थिंक ये जेई में डायरेक्टली क्वेश्चन यही पूछ लिया गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन शीट के केस में आप, ये डिस्क के केस में आप लोगों का कितना आता है उसकी वैल्यू बता दो, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का था या पोटेंशियल का था, किसी एक चीज का था शायद, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एक्सप्रेशन आता है, पोटेंशियल का क्या आता है वो बता दो। इसका एक्सप्रेशन आता है सिग्मा अपॉन 2 ε₀ 1 - x / √x² + r², ठीक है? ये आपके पास एक्सप्रेशन आ जाता है इसका। हाँ मैं तो बोल रही हूँ नीट के लिए एटलीस्ट आपको एनसीईआरटी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अपने नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करके जाओ, उससे आपका सीबीएसई भी हो जाएगा नीट भी हो जाए, है ना? अगर आप थोड़े से मुश्किल प्रॉब्लम करना चाहते हो तो जो आपके एडिशनल एक्सरसाइजेस हैं या फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर प्रॉब्लम्स हैं वही सॉल्व कर लो, वो भी तो मुश्किल ही है नीट के हिसाब से, तो वो भी मुश्किल है, नीट में कभी कभी आपके बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, बाकी आप क्लासेस में कर ही रहे हो, ठीक है? तो ये हमारा एक्सप्रेशन रहता है, इफ यू आर हैविंग अ चार्ज डिस्क, अगेन यू कैन, फिर से आप इसको डिराइव कर सकते हो, मैंने नोट्स में डिराइव कर रखा है। नहीं ये फ्लक्स नहीं है बेटा, दिस इज नॉट द फ्लक्स, फ्लक्स इज समथिंग डिफरेंट, ठीक है? ये तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हम निकाल रहे हैं, फ्लक्स तो ये हो गया कि किसी अगर कोई चार्ज है और कोई मैं सरफेस कंसिडर कर रही हूँ तो सरफेस में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है वो होता है आपका फ्लक्स, तो वो आप ई डॉट ए वाला जो एक्सप्रेशन है उससे निकालोगे, वो बाद में करेंगे, ठीक है गौरव बेटा? ये फ्लक्स नहीं है आपका, ठीक है? चलूं आगे, बेटा पूरा बैकलॉग में है तो यार एक एक चैप्टर करके कर लो ना। 11th में आप लोगों का मोशन, अबे मोशन इन 1D में कुछ नहीं है, मोशन इन 2D में कुछ नहीं है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में कुछ नहीं है, वर्क पावर एनर्जी में कुछ नहीं है, एक खाली रोटेशन के चक्कर में पूरा 11th तुम लोगों ने बर्बाद कर रखा है अपना, रोटेशन से इतना डर चुके हो तुम लोग कि पूरा का पूरा 11th छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं है मोशन इन 1D में, है क्या इक्वेशंस ऑफ मोशन और ग्राफ? मोशन इन 2D में खाली प्रोजेक्टाइल है, मोशन इन वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से क्वेश्चन आ जाएगा, वो फ्री बॉडी डायग्राम फ्रिक्शन से क्वेश्चन आ जाएगा, और क्या आएगा? ये सारी चीजें तो कर ही सकते हो, ये सब चीजें तो करो, रोटेशन नहीं हो रहा तो उसको सबसे एंड में देख लेना, एटलीस्ट एक एक करके चैप्टर तो उठाओ, एक दिन में मोशन इन 1D रिवाइज हो जाता है बच्चों का, ठीक है? तो पूरा बैकलॉग में है तो अभी तो करोगे, सेकंड बुक तो हमारी अच्छे से कवर हुई थी क्लासेस के अंदर, सॉलिड चैप्टर है, चलो फ्लूइड है थोड़ा लंबा है, सॉलिड तो छोटा है फ्लूइड छोटा है, थर्मल प्रॉपर्टीज छोटा है, थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी करा है, केटीजी केमिस्ट्री में भी करा है, सारे के सारे चैप्टर्स आपने कर ही रखे हैं। स्कूल लेवल के लिए तो एनसीईआरटी बहुत है, स्कूल लेवल के लिए तो अगर आप एनसीईआरटी भी पूरी कर लोगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कर लोगे, एग्जाम्पल्स कर लोगे, सो दैट इज ऑल्सो सफिशियंट, ठीक है? बस आपको एनसीईआरटी से मुझे थोड़ा समझने में दिक्कत रहती थी, तो कोई भी अगर और दूसरी बुक समझ में आती है उससे पढ़ लो, ठीक है? कोई भी अगर दूसरी कोई बुक समझ में आती है तो उससे पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, स्कूल के हिसाब से तो आपकी डेरिवेशन और थियोरी इतनी आ जाती है ना, ठीक है? अब आज ऐसे सब बच्चे मोटिवेट हो गए, सैटरडे संडे का दिन है, कल ऐसे बैठ के पढ़ना बढ़िया एकदम, ठीक है? फिर ट्यूसडे को पूछूंगी अगले की क्या स्टेटस है,
चलूं आगे, ये तो आपका डिस्क का एक्सप्रेशन आ जाता है, और इसका डिस्क का ही ना एक स्पेशल केस भी बनता है जो बनता है आपका इनफाइनाइट शीट का, ठीक है। वैसे आप इनफाइनाइट शीट का जो केस है वो गॉस लॉ में पढ़ोगे तब हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे, बट इनफाइनाइट शीट का केस आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट शीट इज नथिंग बट अ डिस्क विद इनफाइनाइट रेडियस, ठीक है। अगर मैं इनफाइनाइट शीट की बात कर रही हूँ तो इनफाइनाइट शीट की वजह से अगर मुझे किसी पॉइंट पे निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इनफाइनाइट शीट इज अ डिस्क। इनफाइनाइट शीट में आप डिस्क वाला एक्सप्रेशन यूज कर सकते हो जहां पे हमारा जो रेडियस है वो इनफाइनाइट हो रहा है, ठीक है बेटा। तो जब आप यहाँ पर ये वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे तो डिस्क वो शीट का तो पढ़ा था ना क्या आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, शीट की वजह से इलेक्ट्रिक का वैल्यू आती है, बताओ शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ में पढ़ा होगा। जब वो वाले एक्सप्रेशन में भी ये चीज प्लग कर दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन, तो ये आपकी एक्सप्रेशन आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की ड्यू टू अ शीट। इज दिस ऑल्सो ओके, शुड आई मूव ऑन? ठीक है, ये आप लोगों ने गॉस लॉ से प्रूव भी कर रखा है, एक यहाँ से भी आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो। गॉस लॉ इज द इजी वे टू प्रूव एवरीथिंग विच वी हैव स्टडीड। इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन निकालने का इजी तरीका गॉस लॉ होता है, ये जो है ये लंबे तरीके मुश्किल तरीके होते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यार, ये वाला क्वेश्चन देखो, आगे स्लाइड नहीं है तो स्लाइड डालती, एक बार ये वाला क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे। दो क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे बस, फिर आपका टाटा बाय बाय हो जाएगा। क्वेश्चन काफी अच्छा है, दिस क्वेश्चन इज डीलिंग विद बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट इज ऑल्सो डीलिंग विद मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। हाँ, सरफेस के लिए आप सिग्मा यूज करोगे, रेडियस की जरूरत ही नहीं है ना, शीट गिवन है बेटा, आपको क्या गिवन है, एन इनफाइनाइट लार्ज प्लेट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज लाइंग इन हॉरिजॉन्टल एक्स वाई प्लेन। तो भाई मैं कुछ इस तरीके से इमेजिन कर लू, है ना, बच्चों हैंड रेस कर रहे हो, नैना ने हैंड रेस किया, बेटा कोई भी डाउट है तो चैट बॉक्स पे लिख दो, बच्चा जिस बच्चे को डाउट है कुछ भी बातचीत करनी है चैट बॉक्स पे लिख दो, मैं बहुत एक्टिवली आप लोगों का रिस्पॉन्ड करूंगी चैट बॉक्स पे। अभी माइक ऑन नहीं कर सकती, देयर आर लाइक 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स है क्लास में, माइक ऑन करते ही बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इस तरीके की हमारे पास प्लेट है, आपको बोला क्या गया है, अ पार्टिकल हैविंग चार्ज माइनस क्यू नॉट एंड मास एम इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द प्लेट विद वेलोसिटी यू मेकिंग एन एंगल थीटा विद द शीट। तो बेसिकली आप लोगों के पास एक पार्टिकल है, एक चार्ज पार्टिकल है, और वो जो चार्ज पार्टिकल है दैट हैज बीन रिलीज्ड विद सम वेलोसिटी यू, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन याद है बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन याद है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा केस है आपका, कि एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे जिसका चार्ज है माइनस क्यू, जिसको आपने रिलीज कर दिया है विद सम वेलोसिटी व्हिच इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा। तो यहाँ पर आप लोगों को तीन चार चीजें निकालनी है, एक तो कितना टाइम लगेगा इस पार्टिकल को वापसी प्लेट पे आने पे, ये पार्टिकल कुछ मस्त ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और प्लेट पे वापसी आ जाएगा, तो आप लोगों को बताना है कि कितना टाइम लगेगा इसको प्लेट पे वापसी आने पे, मैक्सिमम हाइट इस पार्टिकल को कितनी अचीव हो जाएगी, और डिस्टेंस पे किस डिस्टेंस पे ये प्लेट को स्ट्राइक करेगा। तो बेटा टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, और फाइनल फॉर्मूला किसका होता है, रेंज वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगेगा आपका, उससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे लगेगा वो ये चीज समझो, इस पार्टिकल पे मैं ग्रेविटी वाली फोर्स नहीं देख रही, आपका नेगेटिव पार्टिकल है, तो नेगेटिव पार्टिकल पे बिकॉज ऑफ दिस प्लेट फोर्स जो लगेगी वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी हर पॉइंट पे, सारे के सारे जो भी पॉइंट्स हैं हमारे पास जिसमें ये पूरा का पूरा मोशन कर रहा है पार्टिकल का, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, है ना बेटा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का आप एक्सप्रेशन भी निकाल सकते हो, FE की कितनी वैल्यू हो जाएगी, Q नॉट मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने पीछे लिखा था सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है, तो FE की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा Q नॉट अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, इज दिस ओके। तो एक तरीके से हमारे पास अब बस ये आ गया है इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, आई एम हैविंग दिस इंस्टेड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर अगर मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लूँ कि पार्टिकल पे एक्सेलरेशन कितनी लग रही है ये वाई डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन कितनी आ जाएगी, Q not sigma upon 2 epsilon not m. So now using this expression of acceleration, if I just replace it, अगर मैं इसको खाली replace कर दूं अपने time of flight के formula में, अपने height के formula में, अपनी range के formula में, जहां पर भी g का formula है उस g की जगह मैं ये लिख दूं तो मेरा answer आ जाएगा ना, ये पूरे motion में यही तो हो रहा है, ये projectile motion ही तो चल रहा है, बस यहाँ पर gravitational force की जगह आपकी electrostatic force लग रही है ना, that is the only thing which is happening in this case. है ना बेटा, समझ में आई ये चीज, तो लग जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दो स्टेप में सॉल्व हो गया।
ठीक है, ये जो पार्टिकल है ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा। इसकी अगर आपको एक्सप्रेशंस भी देखने हैं तो मैं हेल्प कर देती हूँ। पहले पार्ट में आपको बोला है कि कितने टाइम तक वो हवा में रहेगा, वो आपका टाइम ऑफ फ्लाइट से आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या एक्सप्रेशन आप लोगों को याद होगा, 2u sin θ/g करके एक एक्सप्रेशन है, वो याद है ना बेटा? 2u sin θ/g आपका एक्सप्रेशन आता है। अब यहाँ पर हम जी की जगह एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन डाल देंगे, तो जैसे ही आप ये चीज करोगे टाइम का आपके पास क्या वैल्यू हो जाएगा, 2u sin θ/q0 σ/2ε0m। तो आपको हर जगह पे यही करना है कि बस जी की जगह जो हमने अभी पिछली स्लाइड में एक्सेलरेशन निकालनी है उसकी आप वैल्यू डाल दोगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, सेकंड हमें क्या निकालना था, सेकंड हमें निकालना है मैक्सिमम हाइट। हाइट का एक्सप्रेशन भी आप लोगों ने प्रोजेक्टाइल में लिखा होगा, u²sin²θ/2g। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर आपको हाइट निकालनी है तो हाइट भी निकाल लोगे, u²sin²θ/2 × this entire thing, तो 2 × q0 σ/2ε0m। अगर यहाँ पर आपको वैल्यूज भी गिवन है तो आप वैल्यूज भी सारी प्लग इन कर सकते हो, अगर आप लोगों को वैल्यूज गिवन है तो आप वैल्यूज भी प्लग इन कर सकते हो, वैल्यूज भी प्लग इन करके आप लोगों का आंसर आ जाएगा। तीसरा आपको क्या बोला है निकालने के लिए, रेंज। तो रेंज का भी एक्सप्रेशन कुछ लिखा होगा ना, 2 sin θ, sin 2θ के टर्म्स में, u²sin²θ/u²sin²θ/g। तो यहाँ पर भी यार वही सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी, u²sin²θ/q0 σ/2ε0m। ठीक है, इस तरीके का कोई भी अजीबोगरीब क्वेश्चन आएगा कर लोगे सॉल्व, हो जाएगा बच्चों सॉल्व। आई थिंक जेई में ऐसा एक क्वेश्चन आया था जिसमें एक्स डायरेक्शन में इस तरीके से आपकी एक्सेलरेशन लग रही थी, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रही थी, और आपसे ऐसे ही कुछ रेंज या हाइट या फिर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी करने, ऐसे क्वेश्चन भी कर लोगे। अच्छा, नीट वाले बच्चों के लिए एक और अच्छी बुक, वो डीसी पांडे की बुक अच्छी है। ठीक है, डीसी पांडे के अंदर कुछ क्वेश्चन वगैरह भी है वो ठीक है आप लोगों के लिए, उसमें जो टॉपिक्स हैं वो भी काफी कंसाइज फॉर्म में लिख रखे हैं, तो वो वाली बुक भी अगर देखोगे तो अच्छी है। जेई वाले बच्चों को देखनी है तो वो भी देख ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसको ऐसे बेस बुक की तरह यूज करना है तो वो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, उसमें इजी है बस ये मामला है, एग्जांपल्स भी अच्छे अच्छे हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा, ऐसे तो थोड़ा भी अच्छी है, जिससे समझ में आए वो बुक ले लो भाई, जिससे भी समझ में आता है वो बुक ले लो। मैंने तो अपने टाइम पे व्हेन आई वाज अ किड मैंने अपना जो 12th है वो प्रदीप से निकाल दिया था, और आजकल के बच्चे बोलते प्रदीप इतनी भैया बुक है, मैं बोलती हूँ ठीक है यार, मेरा तो सीबीएसई में प्रदीप की वजह से बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, क्योंकि प्रदीप में सब कुछ बड़ा सिस्टमैटिकली लिखा हुआ है। वो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह के लिए अच्छी नहीं है, सीबीएसई के पर्सपेक्टिव से ठीक थी। मेरा एम था कि मुझे फिजिक्स करनी है, जैसे आई डिड माय बैचलर्स इन फिजिक्स, देन आई डिड माय मास्टर्स इन फिजिक्स, तो मुझे फिजिक्स की करनी थी स्पेसिफिकली, तो जेई से मेरा मतलब ही नहीं था उस टाइम पर। हाँ, एनसीईआरटी में ना देखो दिक्कत पता है क्या, एनसीईआरटी के अंदर उन्होंने टॉपिक्स बहुत अच्छे डले हुए हैं, एनसीईआरटी ऐसे ऐसे लोगों ने लिख रखी है कि मतलब तगड़े तुर्रम खानों ने लिख रखी है कि आप बिलीव नहीं करोगे। दिक्कत एनसीईआरटी में खाली ये है कि उसमें ना टॉपिक्स थोड़े आगे पीछे हैं, और जो भी चीज आप लोगों को पढ़नी है डिटेल में नहीं है इतना, सो दैट इज वाई आप लोगों को उसको अलग किसी बुक से रेफर करना पड़ता है, जिसको आप रेफरेंस बुक बना सकते हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो। सीबीएसई प्लस नीट के लिए एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइजेस, प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस, और चलो डीसी पांडे और ले लो, इससे ज्यादा बुक्स की जरूरत नहीं है यार। बाकी सारी बुक्स में भी सेम ही चीजें लिखी हुई है, सेम ही क्वेश्चंस मिल जाएंगे। एक ऑब्जेक्टिव फिजिक्स वाली जो बुक है वो भी आई थिंक ये डीसी पांडे की तो है ना। जेई वाले बच्चे थोड़ी एचसी वर्मा, और देख लो आजकल तो जेई का 2023 का पेपर जो मैंने देखा है वो कितना इजी था, उसमें तो ऐसे कोई अजीब अटपटे क्वेश्चंस भी नहीं थे। वैसा क्वेश्चन तुम लोगों का आ जाए तो बड़े ही ऐसे मतलब खुश नसीबी की बात होगी तुम लोगों के लिए। ठीक है, चलू आगे, एक क्वेश्चन और करवा दू। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन में आई थिंक, अबे यार फिगर नहीं गिवन, फिगर मैं बना देती हूँ। बेटा आप लोगों को यहाँ पर एक ब्लॉक गिवन है, ठीक है, एक शीट गिवन है। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये आपकी शीट है, आप लोगों को क्या बोला है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, चार्ज आपका -q है, एंड इट इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन। एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे आपका रेस्ट कर रहा है, बढ़िया आपने ऐसे जमीन पे रखा हुआ है, उस पर आपका फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। ठीक है, इट इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस प्लेन, और यहाँ पर इट इज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम अ लार्ज कंडक्टिंग शीट। इट इज एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम अ लार्ज कंडक्टिंग शीट, एक लार्ज कंडक्टिंग शीट है,
और उसके आप उसके पास आप लोगों ने अपना ये जो ब्लॉक है वो रख रखा है, ठीक है। तो आप लोगों को बताना क्या है कि इस ब्लॉक का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, इस ब्लॉक का जो मोशन है वो आप लोगों को डिस्कस करना है। तो बेटा कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये आपकी पॉजिटिवली चार्ज शीट है, ब्लॉक पे आपका माइनस क्यू मास है, तो ये जो ब्लॉक है ये शीट की तरफ अट्रैक्ट होएगा, एक्सेलरेट होएगा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगी दैट विल बी इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आपको पता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होता है। बाकी भी अगर आप डायग्राम बना लोगे, नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एमजी आएगा, ठीक है बेटा। तो जो एक्सेलरेशन फोर्स लग रही है यहाँ पर वो खाली आपकी क्यू ई की वजह से लग रही है। डायग्राम से रिलेट कर लो ना बेटा। हाँ, मेंस का पेपर 2023 का तो देखोगे तो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा भाई। 2023 का पेपर बहुत आसान था, उसके पुराने पेपर्स मेंस के बहुत मुश्किल आते हैं। 2023 का तो बहुत फॉर्मुला बेस्ड पेपर आया था, पता नहीं मतलब कैसे इतना आसान हो गया, बट ठीक है। अच्छे क्वेश्चंस से, सिंपल क्वेश्चंस से, जेई वाले बच्चे भी यही करो कि अब 11th का सपोज कोई चैप्टर उठा रहे हो, 12th का कोई चैप्टर उठा रहे हो, चैप्टर उठाओ, फॉर्मुला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, साथ साथ में उस चैप्टर के क्वेश्चंस करो, पुराने भी और जो भी चैप्टर में है वो भी, और फिर उस चैप्टर को एक बार के लिए साइड कर दो, फिर दूसरा चैप्टर उठाओ। ऐसे ही एक महीने के अंदर आपका पूरा 11th कब कवर हो जाएगा पता नहीं चलेगा आप लोगों को, थोड़ा सा अगर इस तरीके से कर लोगे तो, ठीक है। अभी आपके पास 1-2 महीने की समर ब्रेक है, अभी कर पाओगे, बाद में टाइम मिलना और मुश्किल हो जाएगा। तो अब बेटा इस तरीके की सिचुएशन को कैसे सॉल्व करते हैं, अगर आपको बताना है कि हमारा जो मोशन है वो किस तरीके से हो रहा है, आपको यहाँ पर इसका मोशन भी निकालना है, बताना है कि परफेक्टली इलास्टिक है या नहीं है। तो यहाँ पर हम एक्सेलरेशन तो निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, फोर्स अपॉन मास, इसकी जो वैल्यू है वो आती है हमारी, अभी हमने सेम जो पिछली स्लाइड में देखा है, क्यू इंटू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट एम, यही सेम एक्सेलरेशन हमारी लास्ट स्लाइड में भी हम लोगों ने निकाली थी, ठीक है बेटा। तो अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर लूं, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन यूज करूंगी तो एस की वैल्यू हो जाएगी एल, इनिशियल वेलोसिटी मेरी जीरो है, यहाँ पर आ जाएगा कुछ हाफ ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर, है ना, ए मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर आ जाएगा। तो टाइम एक तरीके से मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं टाइम इस एक्सप्रेशन से निकालूंगी, यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दूंगी ना, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी हमारी अंडर रूट ऑफ 2ml अपॉन QE, ठीक है। अब बताती हूँ बेटा इलास्टिक का क्या पर्पस है, इलास्टिक का ये पर्पस है, आप लोगों को गिवन है कि ये जो ब्लॉक जब आपका शीट से कोलाइड करेगा तो इलास्टिक कोलिजन होएगा। तो इलास्टिक कोलिजन में आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट आपकी स्टेशनरी है और दूसरी ऑब्जेक्ट उसको किसी वेलोसिटी से हिट कर रही है, उसी वेलोसिटी से वापसी रिबाउंड हो जाएगी, है ना, उसी वेलोसिटी से वापसी रिबाउंड हो जाएगी ना बेटा, हो जाएगी नहीं होएगी राज, ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर इलास्टिक कोलिजन का। तो अगर आप इस सिचुएशन में टाइम पीरियड निकालोगे, अगर आप इस सिचुएशन में टाइम पीरियड निकालोगे तो वो जो आपका टाइम पीरियड है वो इसका ट्वाइस आ जाएगा, जो आपका टाइम पीरियड होएगा ना वो इसका ट्वाइस आ जाएगा, ठीक है बेटा। इसको अगर आप 2 टाइम्स कर दोगे तो आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। तो फाइनल आपका कंक्लूजन यही है कि ये आपका SHM तो नहीं है, ये आपका SHM तो नहीं है, ये भले ही ऑसिलेटरी मोशन है बट ये आपका SHM नहीं है, बट यहाँ पर टाइम पीरियड वगैरह आपका बन रहा है, ब्लॉक जो है वो आपका ऑसिलेट जरूर कर रहा है, बट SHM वाला केस नहीं है। हाँ, इलास्टिक का स्प्रिंग वाला केस नहीं बेटा, इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम वगैरह सब कुछ कंजर्व रहता है ना। तो इलास्टिक कोलिजन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर एक ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और दूसरी ऑब्जेक्ट कुछ वी वेलोसिटी से उसको हिट करती है तो वो वापसी उसी स्पीड से रिबाउंड हो जाएगी, तो वो वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था कि अगर मैं टाइम देखूंगी, टाइम पीरियड की वैल्यू निकालूंगी तो जहां से ब्लॉक शुरू हुआ उसी पे वापसी आने पर उसको ट्वाइस द टाइम लगेगा जितना उसको हिट करने में लग रहा है उस बॉल को, उस शीट को, ठीक है। इज दिस ओके, इतना ही करेंगे बच्चों आज की क्लास में हम लोग कवर, दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, ठीक है, इतना ही कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास एवरीवन।